अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो विजिट कीजिए themacademy.in। इस पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज जो है वो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स, IAS फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेस अगर आपको लेना है तो वो भी अवेलेबल है। प्लस आपको माइंड मैप जो है वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि माइंड मैप की खासियत ये है कि माइंड मैप के थ्रू आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ से आप माइंड मैप जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये देख सकते हो आप डाउनलोड जो है वो करके प्रॉपर तरीके से माइंड मैप के थ्रू आप पढ़ाई करोगे तो ज़बरदस्त रहेगा। ये सभी के लिए फ्री है। और अगर आप कोर्सेस लेते हो तो यहाँ पर आपको PDF से लेकर सारी ही चीज़ें बड़ी शानदार तरीके से मिल जाती है। इसीलिए फटाफट विजिट कीजिए themacademy.in और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। और 21 सितंबर 2021 आज के जो एडिटोरियल है वो कल से लिंक्ड है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि कैसे इसको लिंक किया जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें आगे सोचना कैसे है। कल जो हमने सोचा था अब उसके अलावा हमें क्या सोचना है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि अगर यहाँ पर तो कंटिन्यूटी में एक आर्टिकल आ गया, लेकिन अगर कोई कंटिन्यूटी में आर्टिकल नहीं आता है तो फिर उसको कैसे हम अप्रोच करें, उसके बारे में कैसा सोचे, है ना। तो ये हमें यहाँ पर पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एडिटोरियल पर नजर डाल लेते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है टाइम फॉर रियल पॉलिटिक। ये जो रियल पॉलिटिक के बारे में बात की जा रही है, यही है वो जो हमने कल एडिटोरियल देखा था, जो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस ने जो एक ग्रुप बनाया है उसके बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए ये वाला जो एडिटोरियल है ये, और उसी के साथ साथ एक और एडिटोरियल इसी के ऊपर आया है जो कि है फ्यूड अमंग फ्रेंड्स। तो ये वाला एडिटोरियल जो है ये भी उसी के ऊपर है। अब ये दोनों एडिटोरियल को मर्ज करके हम यहाँ पर देखेंगे और क्या जबरदस्त आउटपुट निकलता है वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं पार्टी ऑफ चेंज, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो फार्मर्स फ्यूचर है, तो फार्मर्स फ्यूचर ये वाला एडिटोरियल हम न्यूज़पेपर से ही देखेंगे, मतलब न्यूज़पेपर पर एक नजर डालेंगे, उसी में ये वाला एडिटोरियल जो है मैं कवर कर लूंगा। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पर ग्रोइंग टूगेदर, ये सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहा है एडिटोरियल। आवाज नहीं आ रही है मेरी, ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो, हाँ अब आ रही है? नहीं, आवाज सही आ रही है सर, आपकी इनके कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। ओके ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके चलो, तो यहाँ पर ये जो ग्रोइंग टुगेदर है, ग्रोइंग टुगेदर ये एडिटोरियल सऊदी अरेबिया पर्सपेक्टिव से है, और इसमें हम देखेंगे सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया के रिलेशन जो है वो कितने फ्रूटफुल हो सकते हैं, कितने अच्छे हो सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड कोएलेशन, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बेसिकली फार्मर से रिलेटेड है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में, एक्सप्लेन सेक्शन में आज एक भी एडिटोरियल एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं है। अगर हम ये वाला एडिटोरियल देखते हैं पंजाब दलित एंड वोटिंग ट्रेंड, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके स्मार्टफोन और उसके एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट, अभी जो आईफोन ने 13 निकाला है ना उसके बारे में, एडॉप्टिव रिफ्रेश रेट जो है किस तरीके से काम करता है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर यूके के नए जो रूल्स है, ट्रेवल रूल्स, तो अगर आपको यूके में ट्रेवल करना है अभी लेटली तो फिर आप ये वाले रूल जो है वो देख सकते हो, नहीं तो अगर हम देखें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम फॉर रियल पॉलिटिक। अब देखिए रियल पॉलिटिक ये बेसिकली क्या होता है, ये एक सिस्टम है पॉलिटिक्स की या प्रिंसिपल जो बेस्ड है प्रैक्टिकलिटी पर, जो प्रैक्टिकल पर है, ना कि मॉरल या फिर आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन पर। तो ये रियल पॉलिटिक कभी कभार आता है, पता रहना चाहिए आपको कि आपको मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो रियल पॉलिटिक भी इस्तेमाल कहां पर करना है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए नए AUKUS AUKUS अलायंस जो है ये यहाँ पर बनाया गया। इसमें AUKUS का फुल फॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, है ना, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, ये जो है ये अलायंस है। अब ये अलायंस से हम सीख क्या सकते हैं, हमारे लिए क्या लेसन है, यहाँ पर वो बात की जा रही है।
अब इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अभी जो हमने रिविजन किया उसी का बैकग्राउंड यहाँ पर हमें देखना है। क्या हुआ कि जो वर्चुअल स्टेटमेंट यहाँ पर लाया गया किनके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यूके के द्वारा और यूएस के द्वारा, इनके द्वारा ये बोला गया कि हम यहाँ पर एक ट्रायलैटरल सिक्योरिटी पैक्ट यहाँ पर ला रहे हैं जिसका नाम है AUKUS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसको दिया गया। अब जैसा कि हमने कल देखा था कि जो फ्रांस है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया डील कर रहा था कन्वेंशनल सबमरीन की, लेकिन जो चाइना है उसने इंडो पैसिफिक रीजन में काफी थ्रेट जो है वो मचा रखा है, उधम मचा रखा है। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उसको ये लगा कि नहीं यार, फ्रांस के साथ जो हम कन्वेंशनल सबमरीन मंगा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारी नॉर्मल बंदूक है लेकिन हमें चाहिए मशीन गन। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है उसके लिए उसने कोशिश की। अब वहां यूएस जो है वो वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन उसके बेनिफिट है कि सबसे पहले छुपकर वॉर कर सकती है, दूसरा है कि वो लॉन्ग रेंज तक जा सकती है, और तीसरा है क्या है, तीसरा बताओ अनम्यूट करके, तीसरा क्या है, लॉन्ग रेंज तक और लॉन्ग टाइम तक रह सकती है, पानी में लॉन्ग टाइम तक रह सकती है। तो ये तीन चीजें जो है हमें देखने को मिलती है, इससे न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है काफी अच्छी रहेगी जहां पर चाइना का थ्रेट जो है वो चल रहा है। अब ऐसे सिनारियों में अगर हम देखें तो जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप अगर ये बना लेते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे जापान जो है वो भी यही आइडियोलॉजी पर चल रहा है कि हमें जो इंडो पैसिफिक रीजन है चाइना का थ्रेट है उसको कंट्रोल करना है। दूसरा इंडिया जो है वो भी यही आइडियोलॉजी पर चल रहा है। इवन फ्रांस जो है वो भी यही आइडियोलॉजी पर चल रहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पर जो पीस है वो रहना चाहिए, चाइना का जो दबाव है, जो डोमिनेंस है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिनारियों में जब ये तीन कंट्रीज ने ग्रुप बनाया है तो फिर बाकी कंट्रीज जो उनको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। अब यहां पर जब ये बनाया जा रहा था तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया कि यहां पर इन ऑर्डर टू डील विद रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स। अब रैपिडली इवॉल्विंग थ्रेट्स किसके वजह से होंगे, बट ऑब्वियसली चाइना की वजह से होंगे, उन्होंने नाम तो नहीं लिया चाइना का लेकिन चाइना ही ये कंसिडर किया जा रहा है। अब यहां पर यूएस एंड ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या शेयर करेंगे, यहाँ पर इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है वो शेयर करें, क्योंकि बेसिकली वहां पर रह रहा कौन है, वहां पर रह रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, वो रीजन में ऑस्ट्रेलिया रह रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट देना पड़ेगा इनको। ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कैसा देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देंगे। देखिए AUKUS के थ्रू यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो प्रोवाइड है वो किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन, है ना। कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो लिया जा रहा था फ्रांस से, न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो उसको एम्पावर करो, ऑस्ट्रेलिया को इतना एम्पावर करो कि वहां पर जो दबदबा है चाइना का वो अपने आप खत्म हो जाए, बराबर है। तो ये यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ये सरप्राइज के रूप में क्यों आया, बहुत सारे लोगों को ऐसा सरप्राइज लगा, क्यों लगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो तीन कंट्रीज है ये ऑलरेडी अलायंस में एक दूसरे के, ठीक है, ऑलरेडी अलायंस में है। सबसे पहले तो यूएस और यूके अगर हम देखते हैं तो वो नाटो अलायंस है ना, जो मतलब ये है कि एक पर अगर हमला किया जाए, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पर अगर हमला किया जाए तो फिर सभी उस पर कूद पड़ेंगे। देन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस अगर हम देखते हैं तो वो लिंक्ड है ANZUS पैक्ट से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है, यहाँ पर भी वो एब्रिविएशन है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड यूएस, ये जो पैक्ट है इससे लिंक्ड है। अब यहाँ पर तीनों जो है वो मेंबर है 5i इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो मतलब क्या है कि ऑलरेडी जब हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं तो और एक ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी ये कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप में है, अलग अलग ग्रुप के इसमें है, तो फिर और यहाँ पर ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या होता है, जो ग्रुप बनते हैं उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पर AUKUS के क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर किया जाए ऑस्ट्रेलिया को, जो हमने इतनी सारी चीजें देखी, कंप्यूटिंग बोलिए, न्यूक्लियर इसमें बोलिए, ये सब में, बराबर है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज आती है जो यहाँ पर काफी शॉकिंग है या फिर लोगों को काफी हैरानी हो रही है देख के, ये है कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की गई है वो कुछ दिन पहले की गई है, जब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड जो है उसकी यहाँ पर मीटिंग होनी थी। अब क्वाड यहाँ पर क्या है, देखिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अगर हम क्वाड की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखिए ऑलरेडी क्वाड है ना, क्वाड में क्या क्या है, इंडिया है, जापान है, यूएसए है एंड ऑस्ट्रेलिया है। मतलब इसमें से अगर आप देखोगे यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों कंट्रीज जो है वो इसका हिस्सा है, बराबर है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा जो
KUS बनाया गया उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है ये ज्यादा उसको फुलफिल कर सकता है. क्यों फुलफिल कर सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो उस रीजन की है, फिर यूएसए जो है वो सपोर्ट करे ना, इसमें यूके को भी ऐड कर दो कि ये सपोर्ट करे, है ना. तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है. यहाँ पर शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि फ्री ओपन और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो रहना चाहिए. ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है. आइडिया क्या है? आइडिया जो यहाँ पर क्वाड का सबसे पहले जैपनीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था 2007 में. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले चाइना के प्रेशर की वजह से ऐड नहीं हो रहा था, क्योंकि चाइना उसको दबाव डाल रहा था कि भाई तू करना मत, अगर तूने किया तो तू गया काम से, है ना. लेकिन बाद में इवेंचुअली जो डर है वो खत्म हो जाता है. ऐसे बोलते हैं ना, डर को इतना ही मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए. दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो रखा डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएसए यहाँ पर मेरीटाइम कॉमन्स को सेफगार्ड करने के लिए, मेरीटाइम जो पूरा इंडियन ओशन रीजन है उसको सेफगार्ड करने के लिए. क्योंकि इंडियन ओशन रीजन आपको पता है कि यहाँ पर जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पर अगर हम सदर्न इंडिया देखते हैं, यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन है, तो यहाँ पर चाइना जो है पूरी तरीके से, है ना, पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है. इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है वहां पर बेस जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है ना. तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही है. अब ये जो अनाउंसमेंट है ये आया, ये जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है उसके कुछ ही दिन पहले, जब ये मीटिंग जो है वो होने वाली है. तो इससे क्वेश्चन मार्क आता है कि ये जो फोरम है यहाँ पर, ये जो क्वाड फोरम है, क्या इसका कोई रिलेवेंस है, है ना. कि अगर कोई मीटिंग हमारी होने वाली है, वो मीटिंग के पहले ही हम बोल रहे हैं कि नहीं हमने एक अलग ग्रुप बना लिया, तो फिर ये जो मीटिंग होने वाली है इसका कोई महत्व है या नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है. तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं. फाइनली यहाँ पर जो यूके है, अब देखिए ब्रेक्जिट के बाद यूके अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन यहाँ पर है, जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके लिए उसका जो डोमिनेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर कर देगा, बहुत ही जबरदस्त कोई चीज जो है प्रोवाइड कर देगा, या फिर अगर कोई खतरा आता है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है. अभी वो डिमिनिश हो गया है ना. तो वो यहाँ पर लाना ये काफी एक दिलचस्प चीज जो है वो देखने को मिल रही है. अब बात करते हैं हम चाइना की. जो चाइना, बेसिकली चाइना का जो थ्रेट है उसकी वजह से यहाँ पर ये करने की कोशिश की जा रही है. तो अब चाइना जो है वो कितना यहाँ पर अग्रेसिवली इस रीजन में काम कर रहा है, तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले चाइना जो है उसे जियोपॉलिटिकल एरेना बिना किसी हिंड्रंस के, बिना किसी रुकावट के यहाँ पर वो काम करता जा रहा है. इवन अगर हम देखते हैं साउथ चाइना सी, है ना, साउथ चाइना सी जो हम देखते हैं, साउथ चाइना सी उसमें 9-line, है ना, उसने टेरिटोरियल क्लेम जो है वो कर लिया. बहुत सारी कंट्रीज जो है वो उसको अपोज कर रही है, लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई हम तो यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेंगे, तो उसने प्रोसीड कर दिया, है ना. देन उसके बाद यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जो यूएसए के द्वारा किया जाता है, कि यहाँ पर जो एरिया है वो जो एरिया है उस एरिया पर चाइना का पूरा दबदबा ना हो पाए, इसलिए जो यूएस यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा चाइना को, उससे भी कोई हानि नहीं पहुंची चाइना को, है ना. चाइना जो है यहाँ पर सीनो इंडियन बॉर्डर पर भी, जो हमारा सीनो इंडियन बॉर्डर है, चाइना को जो हमारी बॉर्डर लगती है, इंडिया की जो बॉर्डर लगती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया. अभी हमें पता है लास्ट ईयर पूरा कंटिन्यूअसली वही चल रहा था कि चाइना जो है वो इंडिया में घुस गया है, चाइना घुसपैठ कर रहा है. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली. तो बेसिकली क्या है कि इतना, अगर बाकी कंट्री सोचे, इतने सारे ग्रुप बने, क्वाड बोलिए, देन उसके बाद अभी AUKUS बोलिए, और भी बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज है वो वहां पर चल रही है कि चाइना का दबदबा ना बढ़ाया जाए, चाइना का डोमिनेंस ना हो. स्टिल चाइना जो अपना डोमिनेंस करता जा रहा है, तो फिर ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो खड़ा होता है. अब यहाँ पर AUKUS के बारे में बात करते हैं, तो ये एक अटेम्प्ट रहेगा कि एक चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब इसके आगे नहीं चलने वाला है, अब अगर तुम कोशिश करोगे तो फिर तुम फिटोगे, ठीक है. यहाँ पर जो दो कंट्रीज को एक्सक्लूड किया गया जो सेम आइडियोलॉजी रखते हैं वो कौन से है, वो एक है इंडिया और दूसरा है जापान. जापान जो है वो क्वाड का क्या, इंडो पैसिफिक, है ना, वहां पर ये रहे. इंडिया जो है, इंडिया का तो मेन मकसद ही वो रहा है, इंडिया तो मतलब परेशानी है ऑलरेडी चाइना से. तो चाइना का जो भी थ्रेट, कहा मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया में कहीं पर भी थ्रेट है तो इंडिया को इंक्लूड किया जा सकता है कि कैसे हम इसको टैकल करें, है ना. तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है. मेजर माइलस्टोन, अब देखिए क्या है कि क्या इससे ये साबित होता है कि इंडिया और यूएस की जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी नहीं है, या फिर उसमें कोई खतरा है, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर अप्रूव नहीं किया, यूएसए जो है उसने यहाँ पर इंडिया को इसमें शामिल नहीं किया है, तो क्या इंडिया यूएस जो है उसके सिक्योरिटी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है? तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया यूएस के सिक्योरिटी रिलेशन अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से. इसमें आप देख सकते हो कि जैसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो है 2008 का हमें देखने को मिलता है. देन यहाँ पर डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव 2012 में लॉन्च किया गया, ठीक है. ये इंडिया यूएस की ट्रेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
आप जब भी इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन में, तब आप ये सारी चीजें जो है वो कोट कर सकते हो जब भी इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात हो रही है। ये सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टेटस जो है मेजर डिफेंस पार्टनर का यूएस कांग्रेस के द्वारा दिया गया था 2016 में, है ना, देन उसके बाद हालांकि वो बाद में चेंज होता रहता है लेकिन स्टिल दिया गया था। यहाँ पर टीयर वन स्टेटस जो इंडिया को दिया गया, एक्सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी आइटम जो है वो यहाँ पर दिए गए, देन यहाँ पर जो 2+2 टॉक है वो यहाँ पर लाया गया 2018 में, देन यहाँ पर फाउंडेशनल अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर किया गया 2020 में, है ना, ये 4 था। तो इस तरीके से हमें जो इंडिया यूएस अग्रीमेंट है, सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजी की, कि इंडिया की स्ट्रेटेजी यहाँ पर किस तरीके से रह सकती है। तो इंडिया के लिए उसका फुल पोटेंशियल यहाँ पर होना है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली फुल पोटेंशियल मतलब क्या, अभी कोविड की वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है बहुत बुरा हुआ है ना, इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है। तो अब इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करना है, इकोनॉमी को अगर रिवाइव करना है तो हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या पड़ेगा, कि कोई भी किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, सबके साथ हमें अच्छा रहना पड़ेगा। अगर हम किसी का झगड़ा कर लेते हैं, अभी अगर कोई सैंक्शन लग जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी को बूस्ट चाहिए, और मिलिट्री मसल जो है उसको भी हमें बूस्ट करना है, मिलिट्री मसल, जिससे कि अगर कोई हमला करने की कोशिश करे तो हमें बिना कुछ किए ही हमारे पास इतने ही चीजें रहे कि हम उसको रोक सके, है ना। अब इसके लिए इंडिया को एक्सटर्नल बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी। एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब क्या, एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब कोई कंट्रीज के साथ मन मुटाव नहीं होना चाहिए, किसी भी कंट्री के साथ, यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जापान हो, फ्रांस हो, किसी भी कंट्री के साथ अगर हम बैलेंसिंग नहीं रख पाए तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ है। यहाँ पर नई पार्टनरशिप जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं जब भी यहाँ पर एक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट दिखे, मतलब क्या है कि अगर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर जो कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज, अभी समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस है, वो कंट्रीज का अगर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है हमारे साथ, कि हाँ उनके जो इंटरेस्ट है वही हमारे भी इंटरेस्ट है, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप जो है वो कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल हमने पार्टनरशिप जो है वो करनी चाहिए। अब यहाँ पर दिल्ली ने 2 इंपॉर्टेंट मैसेज उनके पार्टनर्स को देने चाहिए, क्योंकि पार्टनर तो हम फ्रांस के साथ भी है, उनके साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी है, देन यूके के साथ भी है, उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। तो बेसिकली हमारे जो पार्टनर है उनको हमारे तरफ से 2 मैसेजेस जाने चाहिए। वो 2 मैसेजेस कौन से हैं? पहला है कि यहां पर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यूएस एंड फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इंडिया ने यहां पर एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना चाहिए। इंडिया ने क्या करना चाहिए यहां पर, इंडिया ने इनको बताना चाहिए कि भाई साहब रुको, यहां पर हम जो सेम इंटरेस्ट है वो शेयर करते हैं, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको सिक्योर करना ये हमारा मेन मकसद है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर इसको सेव कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर करंट क्वेरल जो चल रहा है, करंट जो झगड़े इन कंट्रीज में चल रहे हैं वो अगर रहेंगे, तो हमारा जो लार्जर गोल है कि इंडो पैसिफिक रीजन को बचाना है, वो हम कैसे बचाएंगे, इसका चाइना फायदा उठा लेगा, जब दोस्त बन के काम हो सकता है दुश्मनी क्यों करना। देन दूसरा है यहाँ पर वास्ट रिक्वायरमेंट, उसको हाईलाइट करना चाहिए, उसको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे तो हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन को सही तरीके से बचा सकते हैं, है ना। यहाँ पर यूएस, यूके, फ्रांस और यूरोप को कोलैबोरेट करने के लिए इनफ रूम जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ठीक है ना यार, अलग अलग तुमने ग्रुप बनाए हुए, लेकिन स्टिल अगर यहाँ पर कोई कंट्री का सेम इंटरेस्ट है और हमारा वहां पर कोई उससे झगड़ा नहीं है, तो उसको इंक्लूड करने में प्रॉब्लम क्या है, उसको भी इंक्लूड कर लो, है ना। हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो है यहाँ पर, मतलब अंडरवाटर कैपेबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर वॉरफेयर, इन सभी के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, इन सभी के बारे में अवेयरनेस जो है वो कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को, कि झगड़े मत करो, हमारा सेम ऑब्जेक्टिव है ना, ये चीजें जो है यहाँ पर होनी चाहिए। अब इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो डीपर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन फ्रांस और यूरोप के साथ रहता है। अगर हम ऐसा बोले कि यार फ्रांस जो उसको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पर, तो छोड़ो ना, फ्रांस के साथ हमें क्या लेना है, ऐसा नहीं है। इंडिया के बहुत बड़े इंटरेस्ट है, इंडिया के डीप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है यहाँ पर फ्रांस और यूरोप के साथ, है ना। अब यूएसए ने फ्रांस के साथ झगड़ा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ, मतलब बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हमने वैसा नहीं करना चाहिए कि उसको सीधा जा भाई अब तेरा कोई काम नहीं रहा, है ना, तो वो फ्रांस बोले अच्छा सिला दिया तूने मेरे पैर का। इंडिया का डाइवर्स रिलेशनशिप जो है वेस्ट के साथ, वो यहाँ पर जो स्प्लिट हो रहा है इंडो पैसिफिक कोएलिशन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो अलग अलग कंट्रीज है उनमें जो स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है, उसको इंडिया ने साथ में लाने का काम करना चाहिए। अब ये भूमिका जो है इंडिया का निभाता है, तो अपने आप जो मैसेज है
यूरोपियन कंट्रीज में बोलिए एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, इन कंट्रीज में, जापान में बोलिए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो जा सकता है कि जब हमारे रास्ते एक है, जब हमारी मंजिल एक है, तो अलग अलग रास्ते क्यों अपनाना, है ना। तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? तो अभी बताइए अगर आपको कोई डाउट है ये वाले आर्टिकल में, किसी को भी अगर कोई डाउट है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रोइंग टुगेदर। अब ग्रोइंग टुगेदर ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल सऊदी अरेबिया के बारे में बात कर रहा है। सऊदी अरेबिया बेसिकली उनके ही द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया की पूरी जो बढ़ाया है वही की गई है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, हमारे जीएस पेपर टू पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ कैसे रिलेशन जो है, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर हो सकती है ना, क्या वहां पर पोटेंशियल है इंडिया के लिए या फिर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। तो काफी अच्छे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया विजन 2030 गोल्स है, मतलब 2030 तक उसको क्या अचीव करना है ना। और ये जो उसको अचीव करना है, उसको अगर हम साथ देते हैं अचीव करने के लिए, जिसमें हमारा भी फायदा है, तो अगर हम साथ देते हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो है और ज्यादा डिपेंड हो सकती है, और ज्यादा बेटर हो सकती है, और अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं, तो कुछ साल पहले, मतलब 5 साल पहले, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 जो है वो लॉन्च किया, जहां पर वो एम कर रहा था। क्या एम कर रहा था? विजन 2030 ये जो गोल है, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि उसके गोल क्या है। तो ये है उसकी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना है, एंड बोल्ड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है। उसकी जो इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना मतलब क्या, अभी कोरोना ने हमको बताया कि अगर आप पर्टिकुलरली एक ही इस पे डिपेंडेंट रहे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर हम पूरी जो इंडिया है, इंडिया अगर सिर्फ टूरिज्म पर रहता था, जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है, जैसे समझ लो थाईलैंड है, वो ज्यादातर टूरिज्म पर डिपेंडेंट है ना, बहुत ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमारी कंट्री पूरी तरीके से टूरिज्म पर होती, और कोविड के जो टूरिज्म तो पूरा ठप बैठ गया, मतलब पूरी इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरी तरीके से धस थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो डाइवर्सिफाई होना मतलब क्या, कि ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, वो भी सेक्टर है, मल्टीपल सेक्टर्स रखना। हमारे यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर से अगर पैसा आ रहा है, तो उसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं इकोनॉमी को करना। वो कभी भी बेटर होता है, वो पर्सनल इसमें भी हो या फिर कंट्री लेवल पे भी हो। देन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसको मॉडर्नाइज करो, जो भी पुरानी चीज है उसको फेंक दो, नई चीजों को अपनाओ। जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, मतलब ये बोल दीजिए सऊदी अरेबिया, ये सब ये मोस्टली करती है। देन उसके बाद बोल्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना, तो ये इनका बेसिकली एम है 2030 के लिए। विजन 2030 और उनके मल्टीपल अगर गोल देखते हैं, तो यहाँ पर इतनी सारी जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी बताया डाइवर्सिफाई करना, जो गवर्नमेंट इफिशियंसी उसको एनहांस करना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट की इफिशियंसी मतलब क्या, हम यहाँ पर गवर्नेंस को बेटर कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं, है ना। जो पेरेंट्स है उनकी इफिशियंसी को बेटर करना मतलब क्या, कि जो पेरेंट्स है वो उनके बच्चों को और अच्छी परवरिश दे रहे, मतलब पेरेंटिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट की इफिशियंसी को और एनहांस करना, मतलब गवर्नेंस जो है उसको और ज्यादा बेटर करना। देन यहाँ पर नॉन ऑयल गवर्नमेंट रेवेन्यूज को इंक्रीज करना। अभी कैसा है, अगर हम वो वाला पार्ट देखते हैं सऊदी अरेबिया, तो मोस्टली वो ऑयल पर डिपेंडेंट है ना। लेकिन अगर हम दुबई की बात करते हैं, तो वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन ऑयल गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो है उसको यहाँ पर इंक्रीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, देन उसके बाद वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स में इंक्रीज करना। तो यही सारी चीजें, देखिए क्या फायदा क्या होता है, दूसरे जो कंट्रीज एम कर रहे हैं, हम हमारे कंट्री के लिए भी वो लिख सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का क्या गोल रहना चाहिए, ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, उसमें हम बोल सकते हैं इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इफिशियंसी, उसमें हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, उसमें हम बोल सकते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स में और इंक्रीज करना। अब नॉन ऑयल गवर्नमेंट रेवेन्यूज वो हम अभी इंक्रीज नहीं, क्योंकि हमारे इसमें वो है नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम पॉइंट जो है इंडिया के लिए भी ले सकते हैं, सेम पॉइंट गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अचीवमेंट्स की, तो सऊदी अरेबिया ने जो यहाँ पर अचीवमेंट्स किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किंगडम्स ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके वजह से इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वही वहां पर ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव आ रहे हैं, कि जिससे कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से डिजिटलाइज फॉर्म में वो चीजें लेकर आए, उससे अपने आप इफिशियंसी बढ़ती है ना। अगर हम बोले कि हमारे, अभी सोचिए कि अगर कहीं पर गड्ढा है, ठीक है, अब वो जो गड्ढा है वो रास्ते पर बहुत बड़ा गड्ढा है, अब अगर वो फिलअप करना है और आप जा रहे हो किसी के पास कि ये देखो फिलअप करना है ऐसा वैसा, फिर वो आदमी आएगा देखने के लिए ये सब, लेकिन अभी क्या है, अभी आप फोटो खींचो सीधा पोर्टल पर डाल दो, लोग आ जाएंगे उसको बुझाने के लिए। तो मतलब इफिशियंसी बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, बराबर है। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर डिजिटली
अनेबल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, माइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, एनर्जी के लिए, इतना सारा फंड यहाँ पर किया जा रहा है, तो काफी फंडिंग यहाँ पर हो रही है। देखिए ये सारे पॉइंट्स इंडिया के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है जिससे कि 2030 के एम्बिशन को हम सपोर्ट कर सके। 2030 का बड़ा एम्बिशन है, उसको सपोर्ट करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना जरूरी है। इंडिया में भी जरूरी है, इंडिया में भी ये चीज की जानी चाहिए, है ना। इंटरव्यू में आप बोल सकते हो सऊदी अरेबिया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज 7th रैंक पर है ग्लोबली। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इंटरनेट स्पीड बोलिए, क्वालिटी ऑफ 5G बोलिए, काफी हाई है अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। रिसेंटली नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डेटा एंड AI ये किया गया। सऊदी अरेबिया जो है वो 15 कंट्रीज में आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी के मामले में, और टोटल यहाँ पर 75 बिलियन ऐसा जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। एंड FDI इन्फ्लो जो है अभी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना है काफी ज्यादा FDI जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर 40 बिलियन एनुअली 5 years में नए सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए खर्च करने वाले हैं। मतलब आप सोचिए कितना ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है, कहाँ पर? टूरिज्म में, स्पोर्ट्स में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस में, ये सभी चीजों में क्या इंडिया को खर्च करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल इंडिया को भी खर्च करने की जरूरत है। तो कहाँ पर इंडिया ने खर्च करना चाहिए, कहाँ पर इंडिया ने और ज्यादा अभी ध्यान देना चाहिए? टूरिज्म, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हम भी ये सारी चीजें बोल सकते हैं, है ना। देन उसके बाद किंगडम जो है वो प्रिपेयर कर रहा है एक ग्लोबल हब फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया जो है वो काम नहीं कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, बिल्कुल कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या है कि जो हमें सन से मिलती है, जो हमें विंड से मिलती है ना, ये सारी एनर्जी जो फिर से बार 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 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया जो है उसने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू किया, फर्स्ट विंड फार्म बनाकर दुमत अल जंडल पर। तो ये जो है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया ने अपना फर्स्ट विंड फार्म जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो भी सऊदी अरेबिया में काफी अच्छा कर रही है। इंडियन कंपनीज वो ऑपरेट करती है डाइवर्स सेक्टर में। डाइवर्स सेक्टर जो है वो कौन कौन से है, तो हमें देखने को मिलता है मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, इस सभी में हमें देखने को मिलता है जहां पर इंडियन कंपनीज जो है वो काम कर रही है। देन उसके बाद 2020 में 44 नए लाइसेंस जो है वो इश्यू किए गए इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, मेरे को बस याद दिलाना है आर्टिकल होने का, ठीक है, इससे रिलेटेड। ये जो है इंडिया क्लोज फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है इस तरीके से बात कर रहा है। अभी मुझे आप बताइए किसको एक गोल्डन वीजा जो है वो दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा हमारे एक इंडियन को गोल्डन वीजा? गोल्डन वीजा गौतम अडानी। और किसी कुछ बताना है? जल्दी बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। नो आइडिया सर। ओके, कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था हेलिना के बारे में, सेंट हेलिना, उसके बारे में रिसर्च किया आप लोगों ने? हाँ सर। अच्छा बताइए क्यों बोला जाता है? सर एक जो आइलैंड था ना इस एक्ट के थ्रू, एक जो आइलैंड था सेंट हेलिना आइलैंड साउथ वेस्ट अटलांटिक में, वो ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो इसलिए सेंट हेलिना एक्ट। बिल्कुल सही, जो एक्ट था ऑफ 1833 उसे सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है, वो जो एक आइलैंड था वो ले लिया गया था इस एक्ट के थ्रू, इसीलिए उसे सेंट हेलिना एक्ट जो है वो भी कहा जाता है। क्लियर है? तो अभी गोल्डन वीजा जो है, गोल्डन वीजा ये आपके लिए अभी होमवर्क है। गोल्डन वीजा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे दोपहर के लेक्चर में आप देना, मतलब अभी जो हमारा लेक्चर होगा 11 बजे का, उसमें आप देना, ठीक है, गोल्डन वीजा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको इसमें कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, आपको बताओ। जो एडिटोरियल हमने देखे आज इतने इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, और मैं आपको व्हाट्सएप पे जो हमारा न्यूज़पेपर है वो सेंड कर दूंगा, जो न्यूज़पेपर है वो
तो उसमें से आप जो ये है वो पढ़ सकते हो। बाकी शाम को हम एक काम करेंगे, जो शाम को हम रिविजन कर रहे हैं ना, उसमें जो इम्पोर्टेंट अगर न्यूज रहती है, छोटी छोटी जो न्यूज रहती है वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर लूंगा। छोटी छोटी न्यूज भी मतलब हमारी उसमें कवर हो जाएगी, जो पीआईबी हो जाए, ये हो जाए, है ना। पीआईबी अगर शाम को अपडेट करते हो तो रात के सेशन में 15 मिनट के लिए मैं आपको वो सारी चीजें भी बता दूंगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारा फिर ओवरऑल ही करंट अफेयर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक दिन का, है ना। ये मैंने सोचा था अगले हफ्ते से कवर करेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं,